हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हाउ टू इम्प्रूव मैथ्स का पार्ट टू। मैथ्स से रिलेटेड एक कॉमन प्रॉब्लम ये भी होती है कि जिन भी लोगों का मैथ वीक होता है वो कहीं ना कहीं शेमिंग फील करते हैं और अपने डाउट्स को क्लास, कॉलेज या कोचिंग वगैरह में नहीं पूछ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों से पीछे रह जाते हैं जो अपने डाउट्स क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो मैं ये बोलूँगी कि इस चीज़ को मत करिए। अगर आपको कोई डाउट है, आपका मैथ वीक है, तो इसे एक्सेप्ट करिए और उसको आपको अगर मौका मिलता है तो आप पूछिए। जितना ज़्यादा पूछेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपको क्लास में पूछने में शेमिंग फील होता है तो आप घर में या अपने किसी फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं, उससे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इस सिचुएशन में आप कोई अपने फ़ोन में ऐसा ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो मैथ का वीडियो सॉल्यूशन आपको दे सके। तो यहाँ पे ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। जैसे कि इसमें एक डाउटनेट ऐप होता है और भी ऐप्स होते हैं, तो आप उसको डाउनलोड करके रखिए और आपको डाउट हो तो आप उसको इमेज भेजकर अपना सलूशन पा सकते हैं। इस तरह आपको आपके डाउट का सलूशन भी मिल जाएगा और आपको शेमिंग फील भी नहीं होगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं दूसरी, कि अक्सर टीचर, मैथ्स के टीचर्स इस बात को फोर्स करते रहते हैं कि आपको टेबल्स रटनी हैं, क्यूब्स रटने हैं, रूट्स याद करने हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बोरिंग हो जाता था कि इनको रटना, और उसके बाद हमें लगता है कि हमें सब कुछ याद हो गया, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद इनको भूल ही जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला कि एक तो पहला तरीका तो ये है कि आप अपने रूम में या कहीं भी घर में जहाँ पे भी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पे टेबल्स, क्यूब्स, इसका चार्ट बना लीजिए और उसको कहीं पेस्ट कर लीजिए। तो इससे आप बार बार उसको देखेंगे, बार बार वो रिकॉल होता रहेगा और धीरे धीरे वो आपको याद भी हो जाएंगे। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जब भी आपको दिन में 10 से 15 मिनट का टाइम मिलता है या फिर रात को सोने से पहले जब आप लेटे हुए होते हैं, तो अपने माइंड में टेबल्स, क्यूब्स, रूट्स को रिवाइज करना शुरू करिए। और जहाँ भी आप अटकें वहाँ पर आप तुक्का लगाइए कि क्या हो सकता है। उसके बाद अगर आपको डाउट होता है कि ये यहाँ मैं गलत हूँ, पता नहीं ऐसे, तो आप तुरंत कैलकुलेटर, मोबाइल जो भी आपके पास हो लीजिए और उससे कैलकुलेट करके देखिए कि क्या आपका जो आप माइंड में रिवाइज कर रहे थे वो ठीक था या गलत था। अगर वो गलत होता है तो वो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा, उसके बाद जब हम उसे ठीक करते हैं तो वो ज़्यादा मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो इस तरीके को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि एक गलती हम करते हैं कि कभी हम क्यूब्स रटने बैठ जाते हैं, कभी रूट्स और कभी टेबल्स। तो आपको ऐसा सब कुछ मैसी मैसी नहीं करना है, आपको एक बार में एक ही चीज़ याद करनी है। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए कि आपको 20 तक टेबल्स याद करनी है, तो आप 20 तक टेबल को याद करिए, उसके बाद 20 तक रूट्स को याद करिए, उसके बाद 20 तक क्यूब्स को याद करिए। आप सारा कुछ एकदम करने की कोशिश करेंगे तो वो माइंड में कन्फ्यूज़न होगी और कभी आप क्यूब्स को रूट्स, रूट्स को क्यूब्स ऐसे कर देंगे। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आप एक एक चीज़ को याद करते चलिए, कि पहले टेबल्स, फिर रूट्स, फिर क्यूब्स। लास्टली, अगर आपका मैथ्स ज़्यादा वीक है तो आप शुरुआत में ट्रिकी मैथ्स को ना पढ़ें, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में ट्रिकी मैथ पढ़ा तो आप कुछ टाइम बाद वो ट्रिक्स भूल जाएंगे
इसलिए आप बेसिक से स्टार्ट करें और लगातार रिवीजन करते रहें कंटिन्यू, तभी आपकी मैथ इम्प्रूव होगी। शुरुआत में ट्रिकी मैथ पढ़ने से वो चीज़ें आप भूल जाएंगे बाद में, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।